बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई से लेकर प्रवर्तन निदेशालय सभी जुटे हुए हैं। ऐसे में हर दिन इस केस को लेकर एक से एक अलग खुलासे हो रहे हैं। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद रिया की कॉल डिटेल भी खास सुर्खियों में है। वहीं अब सामने आया है कि रिया ने 8 जून से लेकर 13 जून तक फिल्म मेकर महेश भट्ट को कई बार कॉल की थी। बता दें कि 14 को सुशांत अपने बांद्रा स्थित फ्लैट में मृत पाए गए थे। दरअसल रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को ईडी की रिया चक्रवर्ती से लंबी पूछताछ के बीच मीडिया में बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि रिया के नंबर से 8 से 13 जून के बीच महेश भट्ट के मोबाइल नंबर पर 16 बार कॉल की गई है। सोमवार को ईडी को रिया चक्रवर्ती ने इनकम टैक्स रिटर्न्स में कुछ गड़बड़ी दिखाई दी। बीते कुछ समय में रिया को इनकम में काफ़ी अंतर दिखाई दिया। सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह ने रिया पर आरोप लगाया है कि उसने करोड़ों रुपए सुशांत के बैंक से अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रिया ने सुशांत को मानसिक रूप से टॉर्चर किया है और आत्महत्या करने के लिए उकसाया है। प्रवर्तन निदेशालय रिया और सुशांत के आर्थिक लेन देन की ही जाँच कर रही है। ईडी इसी विषय में रिया चक्रवर्ती, उनके भाई सौविक चक्रवर्ती और पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। टाइम्स की खबर के अनुसार रिया 2017-18 में जो आईटीआर भरा है उसमें उन्होंने 18.75 लाख की कमाई दिखाई है। वहीं साल 2018 और 19 में उन्होंने 18.23 लाख की कमाई दिखाई है। इन्हीं दोनों ही सालों में रिया ने जितनी कमाई दिखाई उससे अधिक उन्होंने खर्च किए हैं। मतलब साफ है कि रिया ने आईटीआर में अपनी गलत कमाई दिखाई है। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।